हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो मैं आपके साथ पिटबुल टोकन की जो लेटेस्ट अपडेट आई है आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसके जो इस वीक में जो 24 आवर में जो कल मंडे था तो इसकी जो स्टार्टिंग हुई है वॉल्यूम इंक्रीज की वो लगभग 10 करोड़ डॉलर के लगभग इसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। और आगे जो इसके होल्डर हैं वो 3,65,000 से ऊपर हो गए हैं, जो अभी लगभग 3,70,000 या 75,000 के करीब पहुंच गए हैं। और इसका जो टोटल मार्केट कैप है कॉइन का, पिटबुल टोकन का, वो लगभग 240 मिलियन डॉलर हो गया है। आगे इसकी जो लिक्विडिटी बर्न हो रही है, जैसे कल हुए थे लगभग 9.5 मिलियन टोकन बर्न हुए हैं डॉलर के। और आगे इसके जो फॉलोअर्स हैं वो ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं वो लगभग 82,000 से ऊपर हो गए हैं। और आगे अपनी इसकी जो टेलीग्राम पे कम्युनिटी है वो भी लगभग 55,000 से ऊपर हो गई है। और इसने जो अभी तक जो पिछले 7 दिनों के अंदर जो टोकन बर्न कर रहे हैं वो 330 ट्रिलियन से ऊपर कर दिए हैं। और आगे इसके जो 6 यूज केस हैं उसमें से इसका जो मेन है अपना पिटबुल स्वैप, इसके ऊपर वो फोकस कर रहा है। और उसके आगे अपना ये कॉइन 8 लिस्टेड ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट हो गया है। तो आप इस कॉइन को ट्विटर पे फॉलो करो और इसकी आप लेटेस्ट अपडेट ले सकते हैं वहाँ से। आज क्रिप्टो मार्केट में भी काफ़ी क्रैश हुआ है, तो देखते आप अपना बिटकॉइन लगभग 7.5%, BNB भी 10% के करीब, एथेरियम भी 9% से ऊपर ही डाउन गया है। मतलब काफ़ी आज मौका है आपके पास बाइंग का अच्छे किसी अच्छे कॉइन में, या फिर अपने अगर पिटबुल बाय करना है तो भी अच्छा मौका आपके पास, क्योंकि ये भी आज नीचे गया है, क्योंकि ये कल मेरे $150 थे, अभी ये 100 के करीब है। तो आप बाय कर सकते हो जितनी आपकी रिस्क कैपेसिटी है, क्योंकि क्रिप्टो में होता तो रिस्की है। बट ये एक अच्छा टोकन है फ्यूचर के लिए, तो आप बाय कर सकते हो और होल्ड करके रखो, मे बी फ्यूचर में आपको इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।